आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मूंग दाल की इडली की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, तो चलिए हेल्दी और बहुत ही टेस्टी मूंग दाल की इडली की रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम इडली का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप हरी मूंग यानी कि साबुत मूंग लिए हैं। इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसे भिंगोने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं भिंगो के। मूंग को भिंगोते हुए हमें 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, तो इसे मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इसका पूरा पानी हमें निकाल लेना है। तो अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। मूंग को ब्लेंड करते समय हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल कम करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़े से करी पत्ता, फ्रेश धनिया पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 इंच अदरक डालेंगे, 4 हरी मिर्ची डालेंगे। अब इन सबको हमें ब्लेंडिंग जार में डाल के मूंग के साथ ही हमें ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब। अब इसका हम बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। अब आधे बचे हुए मूंग को भी हम इसी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो 1 से 2 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे और इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच सूजी यानी कि रवा और इसे मिला लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। बैटर ना ही ज़्यादा पतला बनाना है हमें, ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना के तैयार करना है इसका। अब इसे रेस्ट के लिए हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, सूजी अब अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 नींबू का रस निचोड़ेंगे इसमें। और इसके बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच इनो डालेंगे, या आप इसकी जगह पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अब यह बैटर रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके का बैटर हमें बना के तैयार करना है, ना ही ज़्यादा पतला, ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो अब हम चलते हैं इसे स्टीम करने के प्रोसेस में। इडली पॉट में मैंने पहले से ही पानी गर्म होने रखा था। अब हम इडली मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसे ये नीचे चिपकेगा नहीं और निकालते वक्त ये तुरंत निकल जाएगा। तो सारे इडली मोल्ड को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो अब हम इसमें बैटर डालेंगे। मोल्ड में बैटर आधा ही भरें, क्योंकि बैटर में हमने सोडा डाला है तो ये फूल जाती है। तो सारे मोल्ड में मैंने बैटर को डाल दिया है। अब हम चलते हैं इसे स्टीम करने के प्रोसेस में। अब जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम इडली स्टैंड को डाल देंगे इसके अंदर और इसके बाद हम इसे ढक के 15 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि इडली हमारी एकदम अच्छे से पक गई है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे
और इसके बाद हम इडली ट्रे को बाहर निकालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद हमें इसे निकालना है। अगर आप इसे गरम गरम ही निकालेंगे तो ये टूटने लगेगी। तो अब ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आप इसे निकालने के लिए स्पून का इस्तेमाल करें, इससे ये इजली निकल जाती है। ये आप देख सकते हैं इडली एकदम अच्छे से फूला हुआ है। तो इसी तरह से हम सारी इडली को निकाल लेंगे। मैं एक इडली आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बना है। इसे सर्व करने के लिए आप इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व करें या ग्रीन चटनी के साथ। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।